Hi guys, welcome back to my channel. This is your girl Adhira and I hope you all are doing very great. So आप सभी को और भी ज्यादा ग्रेट करने के लिए लेकर आई हूँ अपना आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो. सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय फर्स्ट एवर पर्पल शॉपिंग हॉल, जिसमें मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं मेकअप के एंड स्किन केयर दोनों के. सो जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो वो उसके अकॉर्डिंगली चेकआउट कर सकता है वीडियो को. प्लस दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एट ऑल, ये मैंने खुद अपने पैसों से बाय किए हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं सब अफोर्डेबल रेंज में है, कोई एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं है और साथ ही साथ में ये डेली यूज वाले हैं. जो हम डेली रूटीन में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं सारे मैंने वही ऑर्डर किए हैं. सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है. सो गाइज, दिस इज द बॉक्स जो मुझे रिसीव हुआ है पर्पल से और ये सारा इसमें सामान है. ये है बिल जो कि काफी लंबा चौड़ा है. ऑल अलॉन्ग जितनी भी शॉपिंग थी मेरी 3-4 thousand तक की थी, मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं तो ये हैं बाकी के सारे प्रोडक्ट्स. बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग होकर आई है, बबल रैप होकर आए थे. कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ओपन अप किए हैं चेकआउट करने के लिए बट बाकी कुछ ऑलमोस्ट अभी पैक है. जैसे कि ये पैक्ड है, काफी कुछ पैक है तो हम एक एक करके इसे मैं आपको शो करती हूँ. एंड वन मोर थिंग गाइज, कि मुझे एक और ये पैकेजिंग ये वाला बॉक्स भी रिसीव हुआ था. आई डोंट नो, मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे एक बार ही, लेकिन ये जो है इस बॉक्स में एक प्रोडक्ट कंसीलर था जो कि अलग से इसमें आया था एंड इवन मुझे पता भी नहीं था कि मेरा कोई प्रोडक्ट पेंडिंग है. सो ये वाला बॉक्स जब रिसीव हुआ मैंने इसे चेकआउट भी नहीं किया, मैंने खोलकर भी नहीं देखा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट आ गया है या सारे आए हैं या नहीं आए. मैंने बिल्कुल चेकआउट नहीं किया और एक दो दिन बाद मुझे ये वाला बॉक्स रिसीव होता है और सिर्फ इसमें एक कंसीलर मुझे रिसीव हुआ था. सो पैकेजिंग इज ऑल गुड, बहुत ही सेफली नाइसली पैक होकर आया है सारा सामान. ये बबल रैप्स में यू नो, और जब से ही आए हैं बस यही काम चल रहा है. बहुत अच्छा लगता है ना, मजा आता है इसे ट्राई करके, आप भी ट्राई करना. सो या गाइज, इसमें रिसीव हुआ था तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करती हूँ, उसके बाद हम इस पर चलेंगे. जो मेरा टोटल ऑर्डर था ऑल अलॉन्ग 3800 समथिंग का था. सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि मैं आपको शो करने वाली हूँ वो है ये. सो ये है एनवाई बे का स्किन फाइडेंट फ्रेश एज ब्रॉडवे आर्ट स्किन प्योरिफाइंग फेस सीरम. सो ये है विद सैलिसिलिक एसिड एंड टी थ्री. सो ये रिमूव करता है आपके डेड स्किन सेल्स को, एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज है इसमें और ये प्रिवेंट करता है आपके ब्लैक हेड्स को. सो ये काफी ज्यादा, मतलब मुझे इसकी पैकेजिंग जो है वो अट्रैक्टिव लगी थी क्योंकि जब मैंने इसे ओपन अप किया है सो आप लोग देख सकते हो ये इस तरह से है गाइज. सो इसमें एक ये है, इसे ध्यान से निकालना क्योंकि ये जो है थोड़ा कांच का है ये. सो ये हमारा सीरम है प्लस आपको इसमें आप देख सकते हो आपको मिलता है ये ड्रॉपर. सो ये दोनों चीजें आपको मिलती हैं और आपको इसे अपने अकॉर्डिंगली यूज करना है ड्रॉपर से. नाउ आई एम गोना ओपन इट अप. सो इसकी क्वांटिटी जो है हम ले लेंगे थोड़ी सी और मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसा लगता है. सो ये मैंने डाला अपनी स्किन पर ऊपर क्योंकि मैंने अभी मेकअप किया है थोड़ा सा, तो ये क्या नाउ आई एम गोना जस्ट मसाज इट कि ये मेरी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए. सो ये बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में चला जाता है, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मतलब कि लाइट वेट है और लगता ही नहीं है कि आपने सीरम अप्लाई किया है. सो नेक्स्ट अप आई हैव इज दिस वन. सो जैसा कि आप देख सकते हो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है पर्पल का बी योर ओन BFF कॉम्पैक्ट विद SPF. पैकेजिंग ना सबकी ही बहुत मस्त है, बहुत ही अच्छी है. सो अब मैं इसे भी ओपन अप कर रही हूँ. सो या इस तरह का है ये एंड जब मैं इसे ओपन करती हूं तो सी पफ है और ये ट्रांसपेरेंट सा शीट है इसके ऊपर पाउडरी है कंसिस्टेंसी और इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है जैसे बेबी पाउडर्स होते हैं ना बिल्कुल वैसी है. सो ये था हमारा सेकंड प्रोडक्ट गाइज. नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये एनवाई बेक का स्मॉल आईलाइनर. सो ये बहुत ही पिद्दू सा आईलाइनर है जैसा कि मैंने आपको शो किया. क्वांटिटी इसकी 6 ml है ओनली और प्राइसिंग जितनी भी है ना गाइज मैं आपको नीचे यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी कि इसकी क्या कॉस्ट है क्योंकि वो मुझे देखना पड़ेगा. तो अभी मैंने जो आईलाइनर लगाया है मैंने इसी से ही लगाया है और इसका जो मतलब कलर है वो ब्लैक है और अच्छा है, मतलब कि अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा लाइनर है. तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. कहाँ लगाऊँ, यहाँ देखते सी
मतलब कि अच्छा ब्लैक कलर है, ये लाइट नहीं है. सो मुझे ये आईलाइनर अच्छा लगा. इफ यू आर अ बिगनर और आप एक अफोर्डेबल आईलाइनर देख रहे हो, देन गो फॉर दिस वन. इस आईलाइनर के कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ अराउंड 60 रुपीज, 59-60 रुपीज का ही है ये आईलाइनर. सो 59-60 रुपीज में इट्स वेरी नाइस. सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा स्टे क्वर्की का बैडस काजल. सो ये वाला जो काजल है इसकी कॉस्ट है 125 रुपीज. और ये लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम लिखा है इसके ऊपर. मैंने इसे कभी यूज नहीं किया है, आपके सामने ही इसे ओपन अप करके चेक करते हैं कि कैसा है ये, इसके ये पिगमेंटेड है या नहीं है, कलर कैसा देता है. सो आपके सामने ही मैं ओपन करके आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने हैंड पर. बहुत मैंने लोगों को देखा है, यूट्यूबर्स को देखा है, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो वो भी इसे बहुत प्रेफर करते हैं. सो मैंने सोचा कि मैं भी इसे यूज करके देखती हूँ. तो मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज करने वाली हूँ. रिव्यूज इसके अच्छे हैं इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया है. तो या हियर इट इज, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ. तो आप देख सकते हो एक ही स्ट्रोक में ये, मतलब कि पिगमेंटेड तो है, पिगमेंटेड है. और प्राइसिंग इसकी 125 है, 125 में इट्स गुड. और बाकी स्टे कितना देता है तो ये तो मुझे यूज करके ही पता चलेगा, तो मैं ऐसे नहीं बता सकती कि स्टे क्या देगा, कितने आवर्स का देगा. सो मैं इसे यूज करूंगी पहले, उसके बाद आपको बताऊंगी कि ये कितना स्टे देता है. बाकी अगर इसकी पिगमेंटेशन देखी जाए तो पिगमेंटेशन इज गुड इन जस्ट 125 रुपीज. सो लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो गाइज, नेक्स्ट है ये LA18 का वाटर रेजिस्ट ब्लैक आउट लाइनर. सो ये मिनी सा आईलाइनर है अगेन, और इसके कॉस्ट है 85 रुपीज. सो ये मैंने मंगाए हैं मिनी आईलाइनर्स की, देखें कि ये किस तरह के निकलते हैं. सो चलिए अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है. सो आप देख सकते हो गाइज कि ये इस तरह का है, लेकिन अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया हो तो एंड में इसका जो कलर है वो जेट ब्लैक नहीं है. सो अगेन आई एम गोना अप्लाई, डिफरेंस आप देख सकते हो गाइज. अगर आप एक बिगिनर हो और आप सिर्फ इसे एक प्रैक्टिसिंग के तौर पर ही लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो. अगर आपको लॉन्ग स्टे के लिए आईलाइनर चाहिए है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसे अप्लाई करें. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज स्टे क्वर्की का हाइड माई हाइकी फ्लो थ्रू लिक्विड कंसीलर पेन. सो ये जो कंसीलर है ये मुझे रिसीव हुआ था, वो जो मैंने स्मॉल बॉक्स आपको दिखाया है उसमें. सो इसमें आई डोंट नो मेरा शेड क्या आया है, सो आपके सामने ही मैं चेक करने वाली हूँ. सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है 4. सो हेयर इट इज, और मैं अब इसे ओपन करूंगी, देखते हैं क्या है इसमें. सो ये इस तरह का है गाइस, इसमें मेंशन है स्टे क्वर्की का हाइट माई हाइकी. सो इसको ओपन करेंगे जब हम, तो इस तरह से हम इसे कंसीलर, एज ए कंसीलर ये है और इसे हम यूज कर सकते हैं. मेरा जो शेड इसमें आया है दैट इज 4. सो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली अपना कंसीलर चूज करना. नेक्स्ट है NY Bay का लिप पाउटिंग ऑन ब्रॉडवे लिप बम स्ट्रॉबेरी पाउटेन 2. सो मैंने इस बार तो मतलब ना NY Bay के ही मंगाए, मतलब मिक्स है ज्यादा, मतलब ये जो छोटा मोटा सामान है ज्यादा मैंने NY Bay का मंगाया है, स्टे क्वर्की का मंगवाया है जस्ट टू चेक आउट. सो ये मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों मंगाया है, क्यों नहीं मंगाया है. ये आपके लिप्स को पाउटिंग बनाने के लिए है, लिप बम है. आई डोंट नो ये क्या वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, इसको यूज करके ही पता लगेगा. सो आपको ओपन अप करके दिखा देती हूँ. ये NY Bay वगैरह इस पे लिखा हुआ है, उल्टा ओपन कर लिया. सो ये इस तरह से है, ट्रांसपेरेंट है. तो इसका मैं क्या लगा के दिखाऊँ आपको, मतलब कि दिखेगा ही नहीं, ट्रांसपेरेंट है. सो इसे यूज करेंगे तब पता चलेगा. एज अ लिप बाम लगा सकते हो कि एक लिप बाम है. नेक्स्ट है गाइज ये NY Bay का द बिग एप्पल ऑफ माई आई. सो ये है वाटर रेजिस्टेंस स्मज प्रूफ डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड. सो ये है काजल. सो लेट्स ओपन इट अप और देखते हैं कि क्या है. काफी मतलब मजा आ रहा है मुझे ये वीडियो शूट करने में ना, शॉपिंग हॉल्स. सो ये इस तरह से है, ये भी कॉल है और ये आगे से सील्ड है. अब हमने इसे रिमूव कर दिया है. तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है.
ये भी सेम है, उसकी तरह ही पिगमेंटेड है. वाह नाइस. कंसिस्ट ऑफ ओनली 70 रुपीज. 70 रुपीज में इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी वेरी गुड. सो गाइज ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो ये है एनवाई बेक का फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक. सो ये सब कुछ इसी में ही है, तो देखते हैं क्या है. ये स्टिक है, पैकेजिंग सबकी अच्छी है यार, ये मतलब मैट में है और ओके नाइस. तो ये है स्टिक जो कि एज अ कंसीलर एज अ फाउंडेशन आप इसे यूज कर सकते हो. सो आई एम गोना अप्लाई इट हियर. सो या ये मेरा शेड है गाइज, तो आप देख सकते हो बिल्कुल. और इसे ब्लेंड आउट करके देखते हैं थोड़ा विद द हेल्प ऑफ फिंगर. इजिली ब्लेंडेबल है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी अच्छी है. और इसमें मेरा शेड है गोल्डन एनवाई BFCS3. सो गाइज नेक्स्ट है ये मेरा एनवाई बे का स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर. सो इसमें मेरा जो शेड है शेड नंबर है 1. सो इस तरह से है. सो ये मेरा शेड है, शेड नंबर 1 है एंड इट्स नेम इज आइवरी. सो या और इसके कॉस्ट जो है वो है 195 रुपीज, मतलब कि 200 के नियर अबाउट हो गया. और 200 रुपीज में मैंने इसे यूज किया हुआ है ऑलरेडी पहले, तो ये आपको कवरेज मीडियम दे देता है, तो इट्स ओके. नेक्स्ट है एनवाई बे का कॉम्पैक्ट. सो ये है लेजेंड वेट फॉर इट डार्क कॉम्पैक्ट, SPF 40 इसमें इंक्लूडेड है. सो इसके कॉस्ट जो है वो है 150 रुपीज, बहुत अफोर्डेबल है. जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही बोला आप सभी को कि जितने भी मैंने प्रोडक्ट मंगाए हैं सब अफोर्डेबल प्राइसिंग में मंगाए हैं, जो कि हर कोई इजिली अफोर्ड कर सकता है. सो ये यहाँ पे इस पैकेजिंग में आता है. और इसमें जो मेरा शेड है दैट इज 2, शेड नंबर 2 है. एंड सी ये पफ मिलता है आपको, और ये है, और ये शीट से कवर्ड है. इट्स अ गुड वन इन जस्ट दिस अमाउंट, 150 रुपीज में ये बहुत बढ़िया है. मैंने सोचा पहले मैं सारे एनवाई बे के ही आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पे मूव ऑन करती हूँ कि एक ये हो जाएगा आपको कि हाँ सारे सीरीज जो एनवाई बे के चल रही है वो खत्म हो जाए. सो नेक्स्ट अप आई हैव इज दिस वन. सो ये है एनवाई बे का एलएस आईलैंड आईलाइनर. सो मैंने ऑलमोस्ट मतलब 2 काजल इसके मंगाए हैं, 2 आईलाइनर हो गए. सो ये ज्यादा अच्छा वाला आईलाइनर है. सो इसका जो ब्रश है काफी ज्यादा थिन है, तो आप अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली ही अप्लाई कर सकते हो. तो आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल जेट ब्लैक है और अच्छा है, प्योर ब्लैक कलर आपको प्रोवाइड हुआ है. सी एंड इसे मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, इसका स्टे भी अच्छा है, ये आपको फुल डे में बहुत अच्छा स्टे प्रोवाइड करता है. सो अगर आप चाहते हैं कि आपका आईलाइनर जो है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो तो गो फॉर दिस वन. और इसकी कॉस्ट जो है वो है 150 रुपीज और इसकी क्वांटिटी जो है वो 6 ml है. सो मैंने एनवाई बे का एक और लिप कलर मतलब ऑर्डर किया था, ये मैंने देखा था जस्ट ऐसे ऑफर प्राइसिंग में चल रहा था ये वाला. सो इसमें मेरा शेड है सेबेला 15 और क्वांटिटी इसकी 4.2 ग्राम्स है. और ये शेड मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने शेड नंबर 15 है ये. और आप इसका कलर देखोगे कि न्यूडिश शेड में है. सो जो कि न्यूड शेड्स आजकल बहुत चलते हैं, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी. सी दिस इज द शेड एंड इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, इसका स्टे अच्छा है. इसे मैंने ये मेरा पार्सल जो है अभी 3-4 दिन पहले आया है और मैंने इसे यूज किया है और इसका स्टे भी बहुत अच्छा है. तो मैं नेक्स्ट शॉपिंग हॉल में इसके ही अलग शेड्स और ऑर्डर करने वाली हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आई है. नेक्स्ट अप आई हैव इज दीज शीट मास्क जो कि है एल्प्स गुडनेस से प्लस स्विस लव. सो ये है बीटरूट पाउडर. सो ये बीटरूट वाले शीट मास्क हैं. सो मैंने कभी ये वाले ट्राई नहीं किए हैं, सो मैं ये सारे के सारे ट्राई ऑन करने वाली हूँ. और ये मैंने मंगाए हैं, सो यूज करके मैं आपको इंस्टाग्राम पे जरूर बताऊंगी कि ये किस तरह का आपको रिजल्ट देता है, कौन से स्किन के लिए है, क्या आपको रिजल्ट मिलता है, सब कुछ डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी. मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें. अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जल्दी से वहां पे जाकर लिंक को क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ताकि आपको मेरे बाकी के न्यू अपडेट्स वहां पे भी प्रोवाइड होते रहेंगे. ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. मैंने यहाँ पे मंगाया है वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन ओम्ब्रे ब्लश. सो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, मैं आपको इसे ओपन अप करके दिखाती हूँ. सी गाइस ये इस तरह का है, ओम्ब्रे शेड आपको ये प्रोवाइड करता है एज ए हाइलाइटर और एज यू कैन अप्लाई इट एज अ ब्लश टू. सो ये मतलब कि एक हाइलाइटिंग इफेक्ट आपको देता है.
सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और गाइज ये तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा बहुत 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 प्रिटी है. इसकी जो शेप ये बनी हुई है ना, इट्स जस्ट सो अट्रैक्टिव. और ये अब आप देखना कि ये अप्लाई करने के बाद कैसा लगता है, मतलब मैजिक. ओह माय गॉड, दिस लुक सुपर 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 ग्लिटरी. और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा. ये तीन चार प्रोडक्ट्स तो इसमें से मेरे फेवरेट हो चुके हैं. वेट एंड वाइल्ड का एक ये हाइलाइटर पैलेट, एन वाई वाई की वो लिपस्टिक, एंड वेट एंड वाइल्ड का ये ओम्ब्रे ब्लश पैलेट जो मैंने आपको दिखाया है वो वाला, प्लस एक और प्रोडक्ट आगे है वो वाला भी. सो नेक्स्ट है ये मेरी स्टेक वर्की की फाउंडेशन गाइज. सो ये भी काफी अफोर्डेबल है, जस्ट 165 रुपीज में. मैंने ये ऑर्डर किया था कि मैं देखती हूँ कि ये किस तरह की निकलती है. सो इसमें ये शेड नंबर आई थिंक है 3, और ये है वाटर रेजिस्टेंट, ब्लेंड हो जाती है बहुत ही इजिली और लाइट वेट है. तो इसमें शेड मेरा बिल्कुल करेक्ट आया है, क्योंकि शेड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार. एंड सबसे बढ़िया बात मुझे इसमें ये लगी कि ये पंप बेस्ड है, आप एक लिमिटेड अमाउंट निकाल सकते हो बड़े आराम से, आपका प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं होता है. सो या दिस इज माई शेड. और ये वॉटरी है, रनिंग है काफी इसकी कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हो रनिंग कंसिस्टेंसी है गाइस. आई डोंट नो ये अप्लाई करने के बाद फेस पे किस तरह करेगा. सो या देखते हैं. सो गाइज जो नेक्स्ट चीज मैंने ऑर्डर की है उस पर ऑफर चल रहा था बहुत ही अच्छा. सो मैंने ऑर्डर किया है गुड वाइब्स के ये तीन मिनी मतलब चीजें. सो सबसे पहला है रोज क्लेयर पाउडर, एंड सेकेंड वन इज लाइट कैवलिन पाउडर, जो कि कैवलिन पाउडर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है. एंड द थर्ड वन इज फुलर्स अर्थ पाउडर, यानी कि मुल्तानी मिट्टी. सो ईच ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ 100 रुपीज. सो ये 300 रुपीज में पूरा ऑफर था, तो मैंने इसे बाय कर लिया. एंड अब इसे यूज करने के बाद पता लगेगा. अब नेक्स्ट वीडियोज मेरी जरूर देखना गाइज. मैं मतलब कि जो प्रोडक्ट्स मेन है ज्यादा बढ़िया है, उन पे मैं रिव्यू जरूर करने वाली हूँ, प्लस डेमो करके भी दिखाऊंगी कि ये क्या रिजल्ट देते हैं आपको. क्योंकि जब तक मैं खुद यूज नहीं करूंगी, मैं आपको कुछ भी रेकमेंड नहीं करने वाली. सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो गाइज नेक्स्ट है ये गुड वाइब्स का सीरम. सो ये है रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम, क्वांटिटी इसकी है 10 ml, और ये नो पैराबेन है इसमें, बिल्कुल भी पैराबेन नहीं है. और ये जैसा कि मैंने आपको पहले एनवाई बे का दिखाया सीरम, सेम वही है इसमें भी, सेम अलग से आपको ड्रॉपर दिया जाता है और आपका ये सीरम है. तो इसका कलर बहुत अमेजिंग है ना, इट्स नाइस. इसको आप गाइज मेकअप करने से पहले यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप फेशियल करने वाले हो तो फेशियल करने से पहले से अप्लाई कर सकते हो. डेली रूटीन में अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको, अगर आपकी स्किन जो है अच्छी हाइड्रेटेड चाहिए और आपको अपनी स्किन पे ग्लो चाहिए, तो आप इसे तब भी अप्लाई कर सकते हो. और अफोर्डेबल है ये, डेली रूटीन में बड़े इजिली आप इसे अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट है गाइज ये गुड वाइब्स का रोज हिप टोनर. तो ये टोनर है टोनिंग करने के लिए, जब आपने क्लीन अप किया है तो जब आपको टोनिंग करनी है आप तब कर सकते हो. मेकअप करना है उससे पहले आपकी स्किन जब आप क्लीन करते हो तब आप इसे टोनिंग करो. जब रेगुलर आप डेली रूटीन में फेस वॉश कर रहे हो उसके बाद भी आपको टोनिंग करनी चाहिए, तो आप ये वाला टोनर यूज कर सकते हो. ये आपकी स्किन को क्लेरिफाई करता है, और इसमें किसी भी तरह का पैराबेन नहीं है, नो सल्फेट और क्रुएल्टी फ्री है. और इसमें काफी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए हैं, और इसकी कॉस्ट है ओनली 225 रुपीज, और इसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 200 ml की. सो स्प्रे बेस्ड है, आपको करना है. रोज की स्मेल है इसमें, जैसा कि ये रोज हिप टोनर है. सो यू शुड ट्राई दिस वन गाइज. आप एक अफोर्डेबल टोनर ढूंढ रहे हैं बजट में 250 के बीच बीच में, देन गो फॉर दिस वन, बिकॉज इट्स ओनली 225 रुपीज. सो ये बजट फ्रेंडली है एंड इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, आपकी स्किन को प्रॉपरली टोन करता है. और सो नेक्स्ट है गाइज मेरे पास वाउ स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट चल रहा है. सो लेट्स ओपन इट अप. सो ये आपको इस ब्रश के साथ प्रोवाइड होता है, सी सो नाइस. और ये डीप क्लेंस करता है आपकी स्किन को, हेल्प करता है प्योरिफाई पोर्स को, एंड कंट्रोल करता है ब्लैकहेड्स को. क्वांटिटी इसकी है 100 ml, और इसमें कोई पैराबेन नहीं है, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन्स, नो कलर. एंड इट्स कॉस्ट इज 400 रुपीज, और ये 400 रुपीज में आता है. बट ये आपकी स्किन डीपली क्लेंस कर देता है, जितनी भी डर्ट हो, जितने भी ब्लैकहेड्स है, मतलब सब क्लियर आउट कर देता है. सो ये फोम बनाता है बेसिकली. तो अगर मैं आपको दिखाऊं, सी ये फोम बनाता है, और आपको इसे जब आप यूज करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आराम भी मिलेगा. और ये बहुत सॉफ्ट है, इसके जो ये ब्रिसल्स हैं बहुत सॉफ्ट हैं, आपकी स्किन पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, और डीपली आपकी स्किन को एक जिसको कहते हैं ना, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी फेस की अच्छी होगी. सो ये था जो मैंने बताया था मेरा फेवरेट प्रोडक्ट.
तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं गाइस, मैंने आपको सबके सब प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं, पर्टिकुलरली जो बहुत ज्यादा बढ़िया लगे हैं मुझे ऑनेस्टली, और मैं उनका रिव्यू जरूर आपके साथ शेयर करूंगी एक अलग से वीडियो में। और अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो इनमें से, या फिर कोई और प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सो दैट मैं वो वीडियो आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूं। प्लस इसमें मुझे एक जो फ्री में प्रोडक्ट आया है वो आया है ये गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश। सो इसकी कॉस्ट है 35 रुपीज, और ये मुझे इसमें फ्री आया है, इसके लिए मैंने पे नहीं किया है। सो इसका वॉल्यूम है, मतलब क्वांटिटी इसकी 10 ml है। सो या ये अलग से फ्री आया है, किसी प्रोडक्ट के साथ होगा कुछ ऑफर एंड ऑल, तो मैं इसे भी यूज करके आपको बताऊंगी कि ये कैसा है। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू स्टे कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम विद मी, ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स हर एक वीडियो के बारे में या जो कुछ भी मैं पोस्ट करती हूँ वहां पे आपको मिलते रहेंगे। बाकी आपको आज का वीडियो, ये शॉपिंग हॉल, मेरा फर्स्ट पर्पल हॉल कैसा लगा मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना, और आपका कौन सा इनमें से प्रोडक्ट फेवरेट है या कौन सा प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो मुझे वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज। सो आपका एक एक कमेंट, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है मेरे लिए। सो प्लीज डू लेट मी नो बाय योर गुड लवली कमेंट्स। परचेजिंग लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो डायरेक्टली वहां से बाय कर सकते हो। कुछ भी चेकआउट करना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करें, वहां पे काफी कुछ अवेलेबल होता है आप सभी के लिए। एंड मोर ओवर ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है, यू गाइज नो वॉट टू डू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, उसके साथ बेल आइकन हिट कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले आते रहे। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। सो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, रिमेंबर आई लव यू ऑल।